अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। कराची सिंध के अंदर खूबसूरत ब्राह्मण बछड़ा आपके सामने, इसकी सारी डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको इसकी क्वालिटी, इसकी क्लास दिखा दूँ। और सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि नारेजो गोट फार्म यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मज़ीद इस तरह के कैटल ब्रीड्स भी हम आपके साथ डिस्प्ले कर सकें। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही यूनिक ब्राह्मण बुल हमारे साथ, और इसके ओनर भी हमारे साथ हैं। अब उनसे इनकी सारी डिटेल्स लेंगे और पूछेंगे कि उन्होंने ये कहाँ से इंपोर्ट करवाया है, और इसका क्या वेट है, इसका क्या साइज़ है, और इसकी पेडिग्री अगर इनके पास है तो वो काइंडली शेयर करें, और इन्होंने किस पर्पज़ के लिए इसको रखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं तैयब भाई? ठीक है, बिल्कुल ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तैयब भाई, माशाल्लाह कराची सिंध के अंदर हमने ये बहुत कम ही ब्रीड देखी है, ब्राह्मण ब्रीड। आपने कहाँ से ली और कितने टाइम से इस ब्राह्मण का शौक कर रहे हैं? सर इसको अभी 3 to 4 months हुए। जी। तो ये मैंने छोटा ही लिया था बच्चा, ठीक है। तो इसको फिर रेज करते करते पालते पालते फिर अपनी जगह पे मैं इसको ले आया हूँ। छोटा बच्चा मैं लिया था, छोटा बच्चा। अच्छा हमारे व्यूअर्स को कुछ आप पॉइंट्स बताएंगे, ब्राह्मण में क्या पॉइंट्स काउंट होते हैं, क्या क्या चीजें देखी जाती है? सबसे पहले ब्राह्मण में स्ट्रक्चर है, लॉन्ग एयर्स है, ठीक है, फेस है, ठीक है, आता है फॉरहेड, ठीक है। उसका जो स्ट्रक्चर है ना, वो देख के ब्राह्मण का शौक करने वाला बता देता है कि यार ये ब्राह्मण बच्चा है। अच्छा आप हमें थोड़ा सा वहाँ चल के इसके पास दिखा देंगे, पॉइंट्स कुछ बता देंगे कि कैसे होते हैं? ये तकरीबन जो इसके इंचेस है ना, जी अच्छा जी, खासा है कि इसकी ये ब्यूटी होती है, ठीक है, इसकी फेस होता है, इसका जो फॉरहेड है जी जी अलग ही होता है, ठीक है। जो अच्छे ब्राह्मण में ना एक स्ट्रक्चर अलग होता है, ये बच्चा है, ये नेक्स्ट इयर्स के लिए पलेगा इंशाल्लाह। अच्छा इसकी एज कितनी होगी? ये अभी 2 दांत है। अभी 2 दांत है जी? ये 2 दांत। अच्छा माशाल्लाह, नेक्स्ट ईयर का बच्चा है, ये हमारे पास अभी इंशाल्लाह ताला और रहेगा हाँ, अच्छा कोई शौकीन इसको लेके जाना चाहे, ठीक है, या जो ले जाएगा, ठीक है। अच्छा सर इसकी आपने कहीं से इंपोर्ट करवाई थी या लोकली कराची नहीं, में से परचेज किया? कराची में अब हमें मिलते हैं, मतलब लिमिटेड क्वांटिटी में होते हैं लेकिन मिलते हैं, मिल जाते हैं जी जी। अच्छा आपके अंदाजे में इसका क्या वेट होगा? ये मीट में अगर देखा जाए तो 12 मन में होगा, अगर अपने गोश्त के उसमें देखा जाए जी जी 12 मन होगा। अच्छा 12 मन गोश्त के हिसाब से, बाकी अच्छा माशाल्लाह व्यूअर्स, ये इसकी आप क्वालिटी, इसकी क्लास देख सकते हैं, और ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त इधर आके इसका सीना बनना शुरू हुआ है। अच्छा आपके पास ये सीना बना है? जी जी। अच्छा व्यूअर्स ये मेहनत है तैयब भाई की, इनके फार्म पे ये इनका सीना बना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही आउट क्लास ब्राह्मण है ये, और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त। अच्छा तैयब भाई इसको आप डाइट में क्या क्या चीज़ें देते हैं? जी जी हम जो चीज़ें देते हैं ना स्पेशल, जी जी टॉप के ही वंडा देते हैं, ठीक है, तो आपको पूरे कराची के टॉप के फार्म्स में मिलेगा ना जी जी। वो हमारा थोड़ा सा एक हर किसी की अपनी अपनी चीज़ें होती हैं, लेकिन वही चीज़ें फॉलो करते हैं, लेकिन उसमें हर एक से एक चीज़ अच्छी करते हैं, ठीक है। तो हम खाते हैं वो इनके लिए रखते हैं हम लोग हर चीज़। अच्छा तैयब भाई आपकी तो काफ़ी यंग एज लग रही है, आप पढ़ाई भी करते हैं या सिर्फ इनका ब्राह्मण और ये इन गोट्स का ही शौक करते हैं? लॉ कर रहा हूँ साथ साथ। अच्छा माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा तो इनकी जो वैक्सीनेशन है उसके हवाले से बताइए, अगर कोई वैक्सीनेशन होती है या मेडिसिन होती है वो आप किस तरह देखभाल करते हैं? वो हमारे जो जैसे आप जानते हैं अनवार भाई, अनु भाई जी जी, वो सब कुछ माशाल्लाह अरफन मौला है, वही देखते हैं। अच्छा वही देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती कि मेडिकल या वैक्सीनेशन के हवाले से? नहीं नहीं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत पहले से वो कर रहे हैं। अच्छा कि ये बच्चा मेरे पास आया था और छोटा था 5 महीने का, जी जी, अब 8 months 9 months एज हो गई। अच्छा अच्छा सर ये दूसरे बच्चे की भी आप कुछ क्वालिटीज और इसकी क्लास बताएंगे? अच्छा व्यूअर्स इनके पास एक और कलेक्शन भी है ब्राह्मण की, एक जो सीड होता है जी जी, उसके अंदर ब्राह्मण में ही है, ठीक है। और ये खरगोश बछड़ा है ना, बड़ा मशहूर बछड़ा है, समझ लें इंशाल्लाह ताला उस क्वालिटीज में कहीं ना कहीं आएगा जरूर, खरगोश की तरह जी जी। अच्छा कान है ना बेसिकली पीछे जी जी की तरह, और ये इसकी सारी वैक्सीनेशन वगैरह, इसकी इंटरनल डिवॉर्मिंग एक्सटर्नल डिवॉर्मिंग सब कुछ जो है इधर ही होती है। अच्छा इधर होती है, बेसिक स्टेप से जैसे हम बच्चा लाते हैं जी जी, तो बच्चा इधर आया। अच्छा माशाल्लाह, इसकी एज क्या होगी सर? ये अब जाके कोई 9 महीनों का हुआ होगा। अच्छा 9 महीनों का हुआ है, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसकी ये आप कलर देख सकते हैं, फेस का साइज और इसके जो एयर्स है ना इसके, बहुत खूबसूरती, और फेस का छोटा साइज जी जी, नाप जालर में, और सबसे जो ये इसकी जो ये जगह है ना आप
हाथ पैर जिसमें उसने वेट उठाना है जी जी, वो चीज असल है इसके अंदर। अच्छा, अभी इंशाल्लाह ताला हम अपने हमारा बैकलॉग पे भी जो और माल है इंशाल्लाह ताला वो भी आएगा जी जी, क्योंकि हमारा पलाई का भी सिस्टम शुरू हो रहा है। ठीक है, और हम इसको मजीद इंशाल्लाह ताला कमर्शलाइज भी कर रहे हैं, हर तरीके से इसको इंक्रीज करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। आप भाइयों की सपोर्ट बस नहीं नहीं इंशाल्लाह बिल्कुल। माशाल्लाह देख सकते हैं व्यूअर्स, बहुत खूबसूरत क्वालिटी का ब्राह्मण है इनके पास, जो कि अभी दो दांत हुआ है लेफ्ट पे और उसके बाद राइट पे जो है ये 9 मंथ्स का। अच्छा, ये भी नेक्स्ट ईयर के लिए दोनों? ये भी नेक्स्ट ईयर का, ये हमारा तकरीबन समझ लें बस ये सोल्ड आउट है। ठीक है जी, ये भी अच्छा है, कुर्बानी लवर ने ही लिया है नेक्स्ट ईयर के लिए। अच्छा, हमारे एक दोस्त भाई हैं, अल्लाह उनको नसीब करे उनके लिए। तो ये इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे इंक्रीज करेगा, फिर जो शौकीन इसका होगा, जैसे बेसिकली हम तो शौक करते हैं जी, हम सब मिलके दोस्त यार हम मिलके। अच्छा सर, अच्छा सर, माशाल्लाह जो हमारी कैटल की कम्युनिटी है, कैटल की जो मार्केट है, उनके लवर्स को आप क्या मैसेज देंगे इस अपनी खूबसूरत कलेक्शन के साथ? बस सर, सबका एक अपना अपना है, हमारा एक अलग तरीका है शौक का। हम भी एक जगह से स्टार्ट होते हैं, एक बेस से, अब अल्लाह ताला ने करवा दिया है। बस सब के लिए दुआएं और सपोर्ट सबसे चाहिए, लेकिन इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट लेवल का शौक लेकर आऊँगा मैं इंशाल्लाह ताला। चले व्यूअर्स, डिफरेंट बिल्कुल लेकर आऊँगा, एक मतलब जो एक चलते हुए आ रहा है वो नहीं, एक चेंज करूँगा उसको कुछ ना कुछ। अच्छा, ये हमारे साथ तैयब भाई थे जो कि लॉ कर रहे हैं, और माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इन्होंने शौक भी साथ साथ किया हुआ है, इन्होंने ब्राह्मण ब्रीड भी रखी हुई है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। सब दोस्त अपना ख्याल रखिएगा, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।